दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज हम अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर में ऑनलाइन है और उसके पास एक मोबाइल है आईटेल A45 और उसको मैं यहां से ऑनलाइन अनलॉक करने वाला हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए हम उसके कंप्यूटर में जो है मेडिकल टूल ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको आईटेल A45 को अनलॉक करना है एक्स्ट्रा बूट से। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मेडिकल टूल जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको जो है यहां पे कस्टम सेटिंग, आप देख रहे हैं कस्टम सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडल। ठीक है, तो यहां पे आपको चेक लगाना जरूरी है। अगर यहां पे चेक आप नहीं लगाएंगे तो ये जो मेथड है आपका काम नहीं करेगा एक्स्ट्रा बूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक लगाना जरूरी होता है, आप इसे यहाँ पे चेक लगाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी कंपनी सेलेक्ट करना है। जैसे आईटेल कंपनी का मोबाइल है तो आप अपने जो है कीबोर्ड में प्रेस करेंगे आई, तो यहाँ पे आईटेल आ जाएगा और आपको यहाँ पे आईटेल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है जो मॉडल की, तो मॉडल आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी मॉडल है आपके पास आईटेल का, वो मॉडल यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। इसके पास यहाँ पे मॉडल है आईटेल A45, तो A45 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इसका FRP अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको अनलॉक फिक्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये इस ऑप्शन से जो है आप जो है जो हाई सिक्योरिटी का जो पिन लॉक होता है उसे आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर सिक्योरिटी अगर आपका पिन लॉक अनलॉक नहीं होता है तो हाई सिक्योरिटी का पिन लॉक वहां से अनलॉक कर सकते हैं। और यहां पे है क्लियर सेटिंग FRP, इस पे चेक लगाएंगे आप तो यहां से पैटर्न और जो है FRP दोनों ही जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने चेक लगा दिया। उसके बाद भी हम यहां पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो यहां पे आपको नो कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको मोबाइल को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद डायरेक्टली जो मोबाइल को डाटा केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। ठीक है, और जैसे कनेक्ट करेंगे कोई भी बूट की आपको नहीं दबाना है, मोबाइल में डायरेक्ट लगाएंगे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मोबाइल जो है बूट कर चुका है और यहां पे जो है इसका जो है FRP जो है रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।